रोलिंग सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू यूनिवर्सिटी आपने शुरुआत की है, कुछ आप बताना चाहेंगे होली रिवर के बारे में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है, किस तरह से आप कलाकारों को ट्रेन करेंगे, पॉलिश करेंगे और फेक प्रोडक्शन हाउसेस जो चलते हैं उनसे कैसे बचाएंगे? ओके, सबसे पहली बात तो है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सर का बहुत शुक्रिया, आपके साथ का बहुत शुक्रिया कि आए इन्होंने इस इंटरनेशनल फिल्म स्कूल की ओपनिंग की, जो मेरा एक बहुत सपना था और मेरे सभी साथियों का सपना था कि हम करें तो हम कभी अपने रूट्स को नहीं भूलें और हमारे रूट्स की शुरुआत जो है वो दादा साहब फाल्के जी से शुरू हो, तो उनको तो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे और किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, जो ये होली रिवर इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है जो एफिलिएटेड टू जॉर्डन रिवर यूनिवर्सिटी यूएसएस है, सो इसमें हम स्पेसिफिकली एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग से फिल्म एक्टिंग एंड बेसिक से एडवांस, ये सब 3 महीने के कोर्स में पढ़ाने वाले हैं और फिर स्पेशलाइज करने वाले हैं कि क्या फ़र्क है एक साधारण एक्टिंग में और फिर क्या फ़र्क है बॉलीवुड एक्टिंग में, बॉलीवुड एक्टिंग किसको कहा जाता है, ये हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा रहा, मैंने हर जॉनरे की फिल्म बनाई, हर जॉनरे की फिल्म का हिस्सा रहा, सुपरस्टार को बनते हुए देखा, सुपरस्टार्स के साथ काम किया, सो प्रैक्टिकली वो अनुभव ही मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जब 2014 में मुझे दादा साहब फाल्के जी की ट्रॉफी अवार्ड मिला था, उसी रात मैंने तय किया था कि अब टाइम आ गया कि ये फाल्के साहब जी का जो सपना है उसको और आगे लेकर जाया जाए और सही मायने में कला क्या है वो लोगों तक पहुँचाई। चंद्रशेखर जी, आज यहाँ पर आए दादा साहब फाल्के, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, आज उनकी एक बर्थ एनिवर्सरी है और आज यहाँ पर होली रिवर जो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, उसकी ओपनिंग आपके हाथों हो रही है, हाउ डू यू फील एंड व्हाट हैव यू टू से अबाउट नव कुमार राजू जी? वेल, birthday and tons of thanks to Ji, what I can say, because the first time institute people has taken his blessings, till now nobody has bothered as if they had come from the earth, but he has sent ball rolling, he has given the message, don't forget your roots. And I'm very much proud of that. And I'm giving him the blessing. I'm sure that his blessing will be always with you and your students. Whoever comes here, over here, definitely unko kahan na kahan break milega hi. Even here, and I wish him and his student best of luck. सर, आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि दादा साहब फाल्के जी का काफी रोल है और जो इंडस्ट्री में आते हैं नए नए आर्टिस्ट या नए, उनको दादा साहब फाल्के जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, वो बड़े स्टार को देखते हैं, लेकिन जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को चलाया, शुरुआत की, उनके बारे में जानकारी होना कितना महत्वपूर्ण है, आप बताइए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर कहूँगा, अगर वो नहीं होते, उनका वो विजन नहीं होता, उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं त्यागी होती, पूरी फैमिली की ज़िंदगी नहीं उसके साथ त्यागी होती, तो आज हम में से कोई भी यहाँ नहीं होता और आज ये जो मिलियन ट्रिलियंस का जो ये बिजनेस और परिवार है, शायद ये भी नहीं होता। सो किसी को भी अगर चाहिए कि वो आगे बढ़े, तो बिना रूट्स के आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा जो रूट है वो वहीं से शुरू होता है, फाल्के साहब जी से, और ख़ास करके जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे यहाँ पर स्पेशली हरिश्चंद्रा जी फैक्ट्री, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सेशन, एक वीक की क्लास होती है, उस एक वीक में पूरी बातें समझाई जाती है कि किस तरीके से इन्होंने सोचा होगा। जब भी मेरे पास वक्त मिलता है, मैं ज़रूर उनको पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सर से पहली बार सर के घर मिला और जो कुछ बातें उनके बारे में पता चली, तो मैं रात भर बहुत डिस्टर्ब हुआ, यार एक आदमी जिसने मतलब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म इंस्टीट्यूट,
हर जगह उनकी अगर आप स्टैच्यू नहीं रख सकते तो कम से कम उनकी एक पिक्चर तो आपके दिल में और आपके स्टूडियो में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मार्क नहीं दिखाते और वो यहाँ से लंदन तक की यात्रा नहीं करते और वो विजन लेके अपने देश में नहीं आते और ये नहीं सोचते कि हम कब तक दूसरे का सिनेमा देखेंगे, वो दिन कब आएगा जब हम खुद का सिनेमा बनाएंगे, खुद के एक्टर्स पैदा करेंगे। आप सोचिए कि जब उनको एक्टर की डिफिकल्टी हुई थी उन्होंने खुद एक्ट किया, स्वदेशी सिनेमा उन्होंने खुद स्क्रीन प्ले लिखा, जब उनको लगा कि यार ये कैमरा कौन ऑपरेट करेगा वो खुद कैमरामैन बन गए। उस समय की वो परेशानी तो देखी, आत्मनिर्भर था मोदी जी के। सो वही बात है सर कि इन चीजों को कभी भी नहीं भुलाया जाएगा, न कोई शख्स भुला सकता जो कला प्रेमी है, जो सच्चा कला प्रेमी है, और जो कोई इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फिल्म स्कूल चला रहा है वो कोई भी इस बात को नहीं भुला पाएगा। सर आप बता सकते देखिए हमारी जो इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है लर्न एंड अर्न इस पर चलती है। सो हमने बोर्डा प्रेडिटर्स ने मंदार जी ने आदित्य जी ने हम तीनों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि देखो हम 23 बच्चे तक तो ठीक है पेड़ जो भी हुआ, पर हर बैच में दो बच्चे वो होंगे जो दादा साहेब फाल्के जी को डेडिकेटेड होंगे और उनकी स्कॉलरशिप पूरी की पूरी हमारा इंस्टीट्यूट बेयर करेगा। क्योंकि कई मैंने देखे कलाकार ऐसे हैं जो वाकई में बहुत कला में निपुण हैं पर किसी न किसी वजह से रुक जाते, क्यों? क्योंकि सर हमको आपके इंस्टीट्यूट में पे करने के लिए हमारे पास इस वक्त सहूलियत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा दादा साहब फाल्के बनने से चूक जाए। सो मैं और मेरी इंटरनेशनल ये होली रिवर स्कूल उनको सपोर्ट करेंगे उनके विजन तक उनके सपनों तक पहुंचेंगे। चंद्रशेखर जी मैं किसी ने पूछा था कि दादा साहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो यही एक हम एक वीडियो बना आज रिलीज है उसका एनडी स्टूडियो में फर्स्ट पार्ट ऑफ दादा साहब फाल्के के अनसुने किस्से दैट विल बी ऑफ 10 मिनट्स इन 9 पार्ट्स बट फर्स्ट पार्ट विल बी रिलीज टुडे। तो मेरे ख्याल से ये भी वीडियो वायरल हो जाएगा तो दादा साहब के बारे में और भी जानकारी, तो ये मैं इनको ही बोलोगे कि आपको स्टूडेंट से भी आप पहले यहाँ आने से पहले ये भी बताइए और बाद में आपका जो प्लान है वो यू कैन कैरी ऑन। सो बेसिक दे विल कम टू नो रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द फाल्के हाउ ही फेस द स्ट्रगल दैट इज द रीजन सर कि हमने कोर्स शुरू करने के पहले हमने इंस्टीट्यूट का शुभारंभ ही उनके नाम से किया है। आज उनकी बर्थ है जी एक्जेक्टली डे इज आल्सो स्वास्तिक के साथ आज उनकी जन्मतिथि। तो आप उनके कितने शुक्रगुजार हैं, मतलब कि उनके लेगेसी से आपकी यहाँ पर यू नो इस काम एक्चुअली उनके ग्रैंडसन और उनके हाथों से ये मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने सर को पहली बार फोन किया और सोर भाई से मैंने नंबर लिया तो नाम बोला मैं इतना बिजी हूं सो मैंने जब इनको फोन किया तो इन्होंने कहा यार आप लोग थोड़ा लेट हो, मेरे तो ऑलरेडी शेड्यूल टाइट था, मुझे फिल्म सिटी जाना है, करजे जाना है। सो मैंने कहा सर क्या मैं आपसे 5 मिनट मिल सकता हूँ, तो बोले आइए। सो पूरे दिन एक्साइटमेंट रही और सकारात्मक सोच थोड़ी सी हिटेड होती रही कि अगर मना कर दिया तो क्या करेंगे, अगर बोल दिया तो मैं 10 दिन बाद आऊँगा तो क्या करेंगे। सो हम हमारी बोर्ड टीम सब रेडी थे, 10 दिन बाद भी टाइम देंगे तो हम कोर्स को डिले करेंगे लेकिन शुरुआत ओपनिंग तो इन्हीं के हाथ से होगी ये डिसाइडेड था। बिकॉज आप सोच के देखिए आज कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है ये कि जिन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत की उनके पोते आज हमारे साथ है, इससे बड़ा दिन होली रिवर इंटरनेशनल फिल्म स्कूल के लिए क्या हो सकता है। सर आप क्या चाहते हो, मतलब कि दादा साहब फाल्के जी ने जो काम किया वो तो अनगिनत है और यू कैन वो बाया नहीं कर सकते, उनके बहुत सारे ड्यूज हैं, आपने इस चीज़ को आगे ले के जाने के लिए या फिर गवर्नमेंट लेवल पर यू नो लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन फाल्के यू नो कुछ आपने शायद कुछ दादा साहब फाल्के के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया They started the big award in 69.
मैं तो ऐसे बोलता हूँ, अगर वो अवार्ड नहीं होता था तो मेरे ग्रैंडफादर रिसर्च बुक में जाते थे, बिकॉज वे बिग पीपल आर गेटिंग द अवार्ड, उनके नाम देख लिए तो मेरे को सिर्फ अवार्ड की शान भी बढ़ गई है. आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 100 बर्थ एनिवर्सरी दे स्टार्टेड इन 69. तो मेरे ख्याल से ऐसे ही दादा साहब फाल्के की और भी कुछ चीज़ है उनके बारे में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने लेसन भी स्कूल लेवल पे होना चाहिए, बेसिक लेसन. दादा साहब पहले कौन थे इन शॉर्ट, तो दे विल बी वेरी क्यूरियस वाई वी कैन नॉट ऑल्सो ट्राई गोइंग समथिंग टू डू अबाउट फिल्म इंडिया. और कुछ आगे भी ये कर सकते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुक्स तो बहुत सारे हैं, फिर भी वो ट्रांसलेट होने चाहिए. क्या है हिंदी में अब तक दादा साहब फाल्के के बारे में बुक नहीं है, मराठी में देर आर सेवन एट, तो इंग्लिश में तो है, लेकिन हिंदी में मैं कोई लेखक है तो उनको मैं ये करता हूँ. तो हिंदी लैंग्वेज बहुत लोग बोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से उनको मैं हमेशा बोलता हूँ तो मरण प्रांत भारत रत्न भी मैं बोलते रहता हूँ हमेशा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए. क्या नहीं दिया दादा साहब फाल्के ने, स्टार को स्टारडम, गवर्नमेंट को ढेर सारा रेवेन्यू, रोजी रोटी लैक्स ऑफ. अभी कोरोना में सब बंद रहा तो उनका इम्पोर्टेंस हमें पता चला कि कितने इंटरडिपेंडेंट है, एक इंडस्ट्री बंद हो गया. और मेरे ख्याल से अभी हमारा वक्त है उनको कुछ देने का वापस. So I am following with, I have given a letter to Mr. Modi also, Prime Minister. So, bharosa hai kuch na kuch aa jayega positivity. Aur main chahta hu ki unke upar ek bada biopic, means big star, 500 crore, 1000 crore ka aisa Dada Saheb Phalke ka biopic chahiye. Jinhone new dali, unka biopic 1000 crore ka chahiye. With big hero. तो वो सब सभी जगह जाएगा, उनके फैन फॉलोइंग हो गए, एक एक टाइम तो लोग देख लेंगे, पता चलेगा दादा साहब फाल्के कितने महान हैं. जी अमिताभ बोलेगा और दूसरा कोई बोलेगा तो उसको मत, मैं बोलेगा तो बोले ये तो फैमिली का आदमी है. दैट्स अ डिफरेंस. और दैट विल डेफिनेटली गो इन लॉन्ग वे थ्रू योर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज मेंशनिंग हिज नेम एंड गिव टेलिंग हिम अबाउट हरिश्चंद्र फैक्ट्री. तो फर्स्ट दे विल कम टू नो कि दादा साहब ने जैसे एम किया, जैसे एक विलेज बॉय दादा साहब ऑल्सो फ्रॉम विलेज, देन ही केम टू नासिक, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल सिटी. तो यू कैन सी इट फ्रॉम द विलेज लेवल और गांव का लेवल से भी फाल्के बन सकते हो. तो मेरे ख्याल से आपके इंस्टीट्यूट से और कुछ आएंगे तो डेफिनेटली दे विल स्प्रेड दैट वर्ड ना. ये ठीक है आपने इंस्टीट्यूट अभी छोटी है, लेकिन पक्का डेफिनेटली इट विल ग्रो. नव कुमार जी के जैसे चाहने वाले हो गए तो डेफिनेटली थिंग्स विल मूव अहेड. एंड व्हाट आई से इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज वर्कड ग्रासरूट, ही वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ही नो द मूड्स ऑफ द बिग स्टार, ही हैड वर्कड विद देम, सो ही नोज व्हाट लाइक सलमान खान.